सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक के बारे में, उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास है किसी भी लेवल पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। सो आरती इंडस्ट्री लिमिटेड में आज के दिन एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ चुका है। सो अगर आपके पास ये स्टॉक है या फिर आप एवरेज और फ्रीज बाइंग करने के बारे में सोच रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो डायरेक्टली हम उस न्यूज़ के ऊपर जाने से पहले अगर हम स्टॉक के कुछ परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे कि कल के दिन, सो कल के दिन इन स्टॉक में हमें एक अच्छे खासे गिरावट देखने को मिला, लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट। पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 7% के आसपास की गिरावट। एक मंथ की बात करें तो रफली देखोगे तो आपको 8% के आसपास करेक्शन देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली देखोगे जहां से स्टॉक में गिरावट देखने को मिला, मतलब 20 जून से लेकर 7 जुलाई तक, यानी कि कल तक, स्टॉक आपको 11 से लेकर 12% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला, और वो भी एक तरफा कंसिस्टेंसी। अगर कल के दिन बाजार 3:30 बजे क्लोज ही नहीं होता तो चांसेस है कि ये जो गिरावट है कल के दिन आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता था। ये तो बहुत ही शॉर्ट टाइम का हो गया। अगर आप वैसे भी कुछ टाइम के अगर परफॉर्मेंस को देखोगे, जैसे कि 6 मंथ की बात करें तो 21% की करेक्शन, 1 साल की बात करें तो 34%। एग्जैक्टली मैं रफली बात करूँ, एग्जैक्टली देखोगे टॉप टू बॉटम आपको 48 से लेकर 50% के आसपास स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिल जाएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, पिछले एक मंथ नहीं बोल सकते, 15 डेज से स्टॉक में हमें कंसिस्टेंसी गिरावट और गिरावट ही देखने को मिल रहा है। सो उसके पीछे का रीज़न क्या है, खास करके कल के दिन जो स्टॉक में इतनी शानदार गिरावट देखने को मिल, मतलब स्टॉक अपने टॉप लेवल से 40% गिरने के बाद भी कल के दिन स्टॉक में हमें लगभग 3% के आसपास हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, जिस लेवल पे इसने क्लोजिंग दिया या ब्रेकआउट दिया दोस्तों, 500 लेवल के नीचे। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हाल ही में आपने देखा होगा एक बार नीचे, एक बार ये 500 के लेवल पे, 500 के नीचे आया था, लगभग 490 के आसपास, तब भी मैंने स्टॉक को कवर किया था। अगर इसने 500 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो बहुत बड़ा दोस्तों ये नेगेटिव पॉइंट है। वो क्यों, उस पॉइंट को उस वीडियो में भी डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 500 के लेवल को उसने दोबारा से अचीव किया, उसके बाद एक फर्दर हमें रैली देखने को मिला। लेकिन अगेन जाके पिछले कुछ दिनों से एक कंसिस्टेंसी गिरावट भी दिखा है, और फाइनली इसने जो 500 के लेवल है दोस्तों उसको अच्छी तरह से ब्रेक करके स्टॉक नीचे और नीचे ही जाते देखने को मिला है। सो उस गिरावट के, या फिर जो लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है, इस लगातार गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। सो लगातार स्टॉक में जो आपको कंसिस्टेंसी गिरावट देखने को मिला है, सो इसके पीछे कल के दिन एक बहुत बड़े हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिला है, जो कि स्टॉक अपने टॉप लेवल से 50% गिरने के बाद भी ये स्टॉक इस लेवल से और भी फर्दर गिरावट दिखा सकते हैं। सो स्टॉक कहाँ तक गिर सकते हैं, अगर आपके पास ये स्टॉक है खास करके टॉप पे है तो ऑलरेडी आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या उस गिरावट में आपको और एवरेज करके चलना चाहिए, या फिर स्टॉक को लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, या फिर स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। खास करके जो फ्रेज बाय है, क्या उनको इतने डिस्काउंट में स्टॉक को फ्रेज बाय करना चाहिए, या फिर जब स्टॉक और अगर गिरता है तो क्या उस गिरावट का और भी फायदा उठा के क्या उनको एवरेज करना चाहिए। सारे पॉइंट को हम A to Z डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो न्यूज़ क्या है, वो न्यूज़ को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सो न्यूज़ दोस्तों एक स्पेशलिटी केमिकल, तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो स्टॉक 40% गिरा है ऑलरेडी, उसके बाद भी स्टॉक में और भी आपको फर्दर गिरावट देखने को मिल सकते हैं, जो कि सेलिंग के ये रिकमेंड किए जा रहे हैं, और बियर गैप जो होता है दोस्तों वो एक्टिव हो चुका है। सो कौन से स्टॉक की बात किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको आरती इंडस्ट्री लिमिटेड की आपको बात करते हुए देखने को मिल जाएगा। सो 2022 सितंबर से स्टॉक में कंसिस्टेंसी गिरावट देखने को मिले, और स्टॉक 40% के आसपास गिरा था, उसके बाद पिछले 5 दिन से कंसिस्टेंसी गिरावट हुआ। साथ ही साथ दोस्तों इतने 40% गिरावट होने के बाद भी स्टॉक को अभी भी किया जा रहा है कि स्टॉक आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रहा है, और सजेशन दिया जा रहा है कि इन स्टॉक को इस लेवल पे फ्रीज बाय ना करें, क्योंकि स्टॉक और भी फर्दर गिरावट दिखा सकता है, जो कि आप देख पाएंगे वीकनेस लाइकली टू कंटिन्यू, यानी कि जो गिरावट आपको देखने को मिल रहा है पिछले एक मंथ से, वो गिरावट आपको और भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। और दोस्तों स्टॉक इस लेवल से भी, मतलब स्टॉक इतने करेक्शन होने के बाद भी इस लेवल से भी स्टॉक और फर्दर 20% के और भी गिरावट दिखा सकता है, वो भी कंसिस्टेंसी। और स्टॉक की अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों स्टॉक एकदम आप बोल सकते हो कि डाउन साइड के टारगेट उन्होंने कर दिया, और वो भी ऐसे वैसे टारगेट नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी 50% गिरावट होने के बाद भी स्टॉक आपको और भी 20% गिर सकता है, और 400 से लेकर 300 तक भी ये लेवल आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो उसके पीछे का सबसे पहले रीज़न क्या है, सो इसके पीछे का सिंपल रीज़न है दोस्तों, इसको
ये जो 500 के लेवल इसने ब्रेक किया तो बहुत बड़ा हमें ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। तो वो यही कह रहे हैं जो बोलेंजा जो बैंड होता है या बहुत सारे जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं जो बहुत सारे 200 DMA 100 DMA 50 DMA इन सारी चीज़ों को जोड़ के जो टेक्निकल एनालिसिस के जो एक्सपर्ट होते हैं तो उन्होंने यही सजेशन दिया कि वैसे भी देखा जाए कंपनी के नंबर भी कुछ खास नहीं आ रहा है, साथ से इसके टेक्निकल वाइज बहुत ही ज़्यादा हमें वीकनेस देखने को मिले। तो स्टॉक ऑलरेडी 48% तो ज़रूर गिरा है लेकिन कंपनी के टेक्निकल बता रहे कि स्टॉक और भी 20% गिर सकता है और स्टॉक इस लेवल से भी 400 से लेकर 300 के लेवल भी आपको दिखा सकते हैं। नो डाउट एक दो दिन में नहीं दिखाएगा, आपको एक कंसिस्टेंसी स्टॉक में गिरते हुए देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आएगा जो स्टॉक आरती इंडस्ट्री जो ऑलरेडी 48% गिरा है स्टॉक और भी फॉर दैट 20% गिर सकता है और स्टॉक का लेवल जो है 400 से लेकर 300 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो हमें समझ जाएगा क्या इस गिरावट में अगर हमारे पास ये स्टॉक है नहीं कि पार्टिसिपेंट करना चाहिए कि एवरेज करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल भी मेरे हिसाब से नो। हाँ अगर आपको कंपनी के बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है, कंपनी के बिजनेस अच्छे लगते हैं तब भी ब्लाइंडली मत खरीदना, कंपनी के Q1 के नंबर देखना उसके बाद ही आप इसके बारे में डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि Q1 के नंबर जैसे आएगा सिर्फ वो नंबर नहीं आएंगे बहुत कुछ आपको बयान देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पिछले 5 क्वार्टर से कंपनी के जो सेल्स है दोस्तों एक ही रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा, साथ साथ कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी आप देख पाएंगे लगातार आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। आप मार्जिन को भी देखोगे एक टाइम पे 20 के ऊपर मार्जिन थे आप वो 50 के भी नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं जो कि ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं। और आपको पता है जब स्टॉक टॉप पे होता है और जब वो ग्रोथ पहले जो कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रहा था और उस ग्रोथ को अगर कंपनी मेंटेन नहीं रख पाते तो ऑब्वियसली हमें बहुत बड़े सेल ऑफ भी देखने को मिल जाता है, जो कि जिनके पास भी प्रॉफिट है वो हमें प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिल जाता है, जिनके चलते स्टॉक में हमें एक अच्छे खासे मैसिव प्रेशर क्रिएट होते देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ सो हाल ही में भी देखा कंपनी के मैनेजमेंट ने 2500 से लेकर 3000 करोड़ के आसपास अच्छे खासे उन्होंने कैपेक्स किया। तो जिस रिगार्डिंग उन्होंने कैपेक्स किया जिस डिमांड के चलते उन्होंने कैपेक्स किया, ऑब्वियसली कैपेक्स क्यों करते हैं कि उनको ये लगता है कि आने वाले टाइम में इन कंपनी में एक अच्छे खासे डिमांड आएगा, उस डिमांड को ग्राफ करने के लिए अपने बिजनेस के अपने कंपनी के वो कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, उनके लिए कंपनी मतलब कैपेक्स करते हैं। तो जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने कैपेक्स किया था वो पर्पज़ भी फेल होते देखने को मिला, फेल होते हुए देखने को मिला मतलब जिस कंट्री की हमें प्रेजेंस देखने को मिला। जैसे आपको पता है कि कंपनी 44% एक्सपोर्ट करते हैं, कंपनी उनसे कंपनी के इनकम आते हैं और यूरोप यूएस जैसे कंट्री में इनके अच्छे खासे प्रेजेंस देखने को मिल जाते हैं। तो हाल ही में जब कंपनी के Q4 के नंबर देखने को मिला साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट के बहुत बड़े नेगेटिव भी कमेंट्री देखने को मिला कि आने वाले टाइम में कंपनी के जो यूरोप और यूएस जैसे कंट्री हैं उनमें अच्छे खासे डिमांड में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, जिनके चलते कंपनी के नंबर के चलते जितना स्टॉक में गिरावट नहीं हुआ था उससे ज़्यादा इस कमेंट्री के चलते गिरावट हुआ। क्योंकि कंपनी ने कैपेक्स किया था इसके चलते कि आने वाले टाइम इस कंट्री से कंपनी को अच्छे खासे मतलब डिमांड आएंगे और वो डिमांड में अगर स्लो डाउन देखने को मिलेगा तो यानी कि कंपनी ने जो भी कैपेक्स किया वो आप बोल सकते हो अच्छे खासे कंपनी को झटका लगते देखने को मिला। सो ओवरऑल हम बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस की सो कंपनी सो सारी चीज़ों को जोड़ के अगर देखा जाए तो इंडिकेशन इतना मिल जाता है कि कंपनी के आने वाले नंबर भी जो रहेंगे वो कुछ भी कुछ खास नहीं रहेंगे क्योंकि कंपनी के डिमांड में अच्छे खासे स्लो डाउन देखने को मिल रहे हैं। सो खास करके ये जो हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिला कल के स्टॉक इतने मतलब अपने इस लेवल से भी और भी 20% गिर सकता है और स्टॉक 300 से लेकर 400 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो मैं पहले बता चुका अगर कंपनी के बिजनेस के ऊपर आपको ट्रस्ट है, आपको ऐसा लगता है कि आरती इंडस्ट्री नो डाउट आने वाले टाइम में कमबैक करेगा तो आप डेफिनेटली इसके बारे में विचार कर सकते हो। लेकिन फिर भी Q1 के नंबर देख लेना, पिछले 5 क्वार्टर से कंपनी कोई भी इम्प्रूवमेंट नंबर नहीं दिखाया तो इस बार अगर अच्छे नंबर दिखाता है तभी आप इसके बारे में एंट्री लेने के बारे में विचार कर सकते हो। ये तो उनके लिए जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं। देन अगर बात करें जिनके पास स्टॉक ऑलरेडी टॉप पे है, जिन्होंने स्टॉक को टॉप पे खरीदा और इतने लॉसेस हो रहे हैं उनको, तो उनको क्या करना चाहिए? मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा अगर मैं आपके जगह पर होता तो मैं आपको इतना कहता मैं बिंदास होकर स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ। एवरेज करने के लिए दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको कि कंपनी के जब तक अच्छे खासे कमबैक वाले नंबर नहीं आते तब तक इसमें हैवी एवरेज मत करना। अगर आपके पास है लॉसेस हो रहे हैं तो लॉस में बेचने वाली कंपनी आरती इंडस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अगर आप इसके लॉन्ग टाइम के परफॉर्मेंस को देखोगे तो इससे पहले कंपनी बहुत बड़ा ऐसे मल्टीप्लाई टाइम गिरावट दिखा चुका है और ऐसी रीज़न बहुत बार हम देख चुके हैं। तो अच्छी कंपनी वेल एक्सपीरियंस वाले कंपनी है तो प्लीज़ मैनेजमेंट भी बहुत शानदार है तो कंटिन्यू। आरती ग्रुप दोस्तों बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप है तो प्लीज़ कंटिन्यू करना, लॉस में बिल्कुल भी मत बेचना और देखते हैं कि स्टॉक में और फर्दर कितना गिरावट होता है। हाँ अगर कंपनी का नंबर वाकई Q1 के ख़राब आता है तो ये जो गिरावट है आपको और भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है और स्टॉक 300 तो नहीं 400 तक भी आपको आराम से जाते हुए देखने को मिल सकता है अगर कंपनी के नंबर इस बार भी ऐसे ही आया तो इस बार के नंबर के लिए ज़रूर स्टॉक को फोकस बनाकर रखना, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन
ले सको। दे नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सो SRF प्रिंटेड। तो क्या SRF प्रिंटेड ने भी डाउनग्रेड टारगेट दिया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टॉक गिर क्यों रहा है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। सो कितना गिरा है, मतलब 11-12% के आसपास, लेकिन वो भी कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों इसके गिरावट के पीछे का एकदम सिंपल सा रीज़न है जो कि इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टॉक का परफॉर्मेंस, स्टॉक में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आया। हो सकता है आगे जाके थोड़ा बहुत आ सकता है, कंपनी के क्वार्टरों के नंबर थोड़ा बहुत फ्लैट आ सकता है, तो इसके चलते पहले थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला है। ऑलरेडी स्टॉक ने 600% रिटर्न बना के दिया है, तो इतना तो गिरावट बनता है। और स्टॉक गिरा कितना, मतलब 5 साल में 500-550 से भी ज़्यादा के रिटर्न देने के बाद स्टॉक में गिरावट कितना हुआ, सिर्फ 21% या 22% मान लो। तो इतना गिरावट बनता है दोस्तों। इससे पहले भी स्टॉक गिरा था, यहाँ पे बहुत बार ऐसे अप्स एंड डाउन चलते हैं। बस वो गिरावट के पीछे का जो रीज़न है वो नॉर्मल होना चाहिए, देन गो फॉर इट। हाँ, किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो 2200 के लेवल पे ज़रूर आप एक स्टॉल में, ज़्यादा नहीं दोस्तों, एक स्टॉल में आप ज़रूर लगा के चल सकते हो। हाँ, अगर आपने जिसने टॉप पे खरीदा और उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिला तो प्लीज़ लॉस में मत बेचना। शानदार कंपनी, 70,000 करोड़ के ब्लूचिप कंपनी है, तो ऐसे आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये जो गिरावट है एक नॉर्मल गिरावट है।